हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे दोस्तों। आजकल एक कॉमनली प्रॉब्लम आती है कि आपका वाईफाई जो है वो कनेक्ट नहीं रह पाता, चाहे पीसी हो या लैपटॉप हो, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर शो ही नहीं करता वाईफाई को। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ढूंढते हैं आज। तो सबसे पहले सर्च बार में लिखना है वाईफाई, एंटर करिए, चेंज अडप्टर सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर आपके जितने भी नेटवर्क्स हैं वो सारे शो कर जाएंगे, इट मीन्स इथरनेट पोर्ट, वाईफाई और अदर जो भी कनेक्शन है। तो वाईफाई आपका होगा उसको इनेबल करिए और डिसेबल करिए एक बार, उसके बाद आपका वाईफाई यहाँ से दिखने लग जाएगा और यहाँ से आप कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं आए तो डायग्नोस पे क्लिक करिए, उसके बाद वो डिडक्ट प्रॉब्लम करेगा और वो सॉल्यूशन पे ले जाएगा आपका। अप्लाई फिक्स करिए, उसके बाद ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेटवर्क रीसेट लिखेंगे, और क्लिक कर देना है रीसेट नाउ पर। इसके बाद आपके जितने भी नेटवर्क्स हैं वो वापस से रीसेट होंगे और कंप्यूटर को आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट इन इट मीन्स कि आपको रीस्टार्ट ऑन होते ही आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा उसमें पासवर्ड डालते ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप करते हैं अपन। दोबारा करेंगे वाईफाई पे, वाईफाई पे जाते हैं और शो अवेलेबल नेटवर्क्स, यहाँ पर जितने भी आपके नेटवर्क्स हैं वो शो कर देंगे। और मैनेज नेटवर्क पे जाना है, पहले जितने भी आपके वाईफाई हैं उस सब पे आपको राइट क्लिक करके फॉरगेट करना है। अगर इट मीन्स आपने पहले कोई वाईफाई कनेक्ट कर रखा उसके बाद पासवर्ड चेंज कर गया तो प्रॉब्लम आती है, तो फॉरगेट पे आपको कर देना है सारी चीज़ें जो भी हैं आपके, उसके बाद फ्रेशली आप यहां से कनेक्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप करते हैं, देखते हैं सर्विसेज या नेटवर्क पे जाना है, नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर डिसेबल होगा तो उसको स्टॉप करके एक बार स्टार्ट कर दीजिए और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दीजिए। यहां से अप्लाई करें और ओके कर दें। ये सारी चीज करने के बाद दोस्तों आप अपने वाईफाई को इजीली कनेक्ट पाएंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो एक और सॉल्यूशन है, आपको लिखना है डिवाइस मैनेजर, वहां ड्राइवर आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने वाईफाई का। नेटवर्क पे जाना है, अपने वाईफाई पे राइट क्लिक करें और यहाँ से अगर आपके पास है तो वो ब्राउज करके आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्च ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है इसलिए आपके वो ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ से आप अपडेट कर लीजिए, उसके बाद पीसी रिस्टार्ट करें और आपका इजीली कनेक्ट हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार अपने हार्डवेयर का ज़रूर देख लीजिए कि आपके हार्डवेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज ये सारे सॉल्यूशन आपके काम कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।